हेलो दोस्तों, एवन सिविल ड्रीम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को बतलाना जा रहे हैं ट्यूटोरियल नंबर 2। ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट में आपको ये बना करके बतलाए थे डबल फिंग ट्रस, ये इसका नाम है, इसके बारे में बतलाए थे। तो दोस्तों, आज आप लोग को बतलाने जा रहे हैं इसमें जो सपोर्ट है, सपोर्ट किस तरह से लगाया जाता है और किस किस पॉइंट पे, किस किस नोड पे कौन सा लोड अप्लाई किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को बतलाते हैं एक स्टेप बाय स्टेप, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। सिप में सपोर्ट यहाँ पे है, पिछला वाले वीडियो में केवल इस तरह से बना करके दिखाए थे। तो सपोर्ट आज लगाना है और लोड अप्लाई हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पे लोड कौन कौन सा लोड है, सिस्मिक, डेड लोड, विंड लोड, लोड कॉम्बिनेशन। तो चलिए, मैं आपको अप्लाई करके पूरा लोड और सपोर्ट करके बतलाता हूँ। तो लोड किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट डिफिनेशन बनाना है कौन सा लोड है, सिस्मिक। चलिए मैं आपको चार्ट दिखलाता हूँ। इस पर डबल एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपको इस तरह से खुलेगा। उसके बाद आप IS कोड यूज करिए, इस पर क्लिक करिए, उसके बाद जनरेट करिए, उसके बाद इस तरह से खुलेगा। तो यहाँ पे सिटी जोन एरिया वाइज दे रहा है, तो चलिए मैं वो आपको सीट में दिखाऊंगा, सीट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जोन थर्ड है, तो यहाँ पे सिटी की जगह पे जोन करेंगे, जोन थर्ड चूज करेंगे। तो ये जेड वैल्यू दे दिया। उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर 1.5 दिया हुआ, तो इस पर और जनरेट पे करेंगे 1.5 हो गया। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद सॉइल, हार्ड सॉइल कौन सा सॉइल है, यहाँ पे सॉइल हार्ड ही रहेगा, तो हार्ड ही रहेगा इसमें। उसके बाद फिर आर्स स्ट्रक्चर टाइप क्या दे रहा है, स्टील, तो स्टील। उसके बाद फिर डंपिंग कितना दे रहा है, माइनस 0.02। रेशियो कितना दे रहा है, 0.02, यहाँ पे 0.02 देंगे। यहाँ पे डंपिंग रेशियो 0.02 है, ना कि माइनस है, ये एरो का सीन है। तो यहाँ पे हटा दूंगा 0.02। उसके बाद फिर जनरेट पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर फैक्टर दे रहा है, तो यहाँ पे वो कई ऑप्शन दिया है, ज्वाइंट वेट का, मेंबर का, एलिमेंट का, तो मेरे को सेल्फ वेट का करना है। उसके बाद ऐड, उसके बाद यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्मिक लोड हो गया। उसके बाद फिर विंड लोड अपलोड करते हैं, तो विंड लोड का डिफिनेशन पहले बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद फिर विंड 1 ही दे देता हूँ, ये बिंड हो गया। इस पर क्लिक करने के बाद फिर इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से खुलेगा। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.407। उसके बाद हाइट कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। उसके बाद ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फैक्टर 1
ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इंटेंसिटी अब फैक्टर अपलोड हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे चेन मार्क क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है, तो उस पर क्लिक करने के बाद आप करिएगा। उसके बाद दोस्तों तो डिफिनेशन हम लोग क्रिएट कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग का लोड अप्लाई करना है, तो लोड के इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ से लोड चूज करेंगे। फर्स्ट में कौन था, सिस्मिक लोड, तो सिस्मिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको नाम नेमिंग करेंगे, तो सिस्मिक दे देता हूँ। सिस्मिक कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में। उसके बाद ऐड करेंगे फिर सिस्मिक एस बाद एक्स और जेड डायरेक्शन में ये इसका जाएगा लोड। तो एस मेरा लोड नेमिंग हो गया, मतलब एक्स माइनस एक्स जेड माइनस जेड। उसके बाद फिर कौन सा लोड है, इसमें होगा फिर डेड लोड है, तो डेड लोड चूज करेंगे। डेड लोड चूज करने के बाद इसका भी नेमिंग देंगे। डेड लोड लोड का नेमिंग डी एस एल दे देता हूँ मैं। उसके बाद फिर कौन सा लोड है, डेड लोड हो गया। उसके बाद फिर बिंड लोड, बिंड लोड में भी चार आएगा, एक्स माइनस एक्स जेड माइनस जेड। तो चलिए इसको बिंड लोड करता हूँ, पहले चूज करता हूँ कहाँ पे है बिंड लोड। बिंड लोड बिंड, उसके बाद फिर इसको भी नेमिंग करेंगे। तो बिंड सॉकेट में दे रहा हूँ डब्ल्यू स्पेस एक्स, उसके बाद फिर ऐड, फिर डब्ल्यू स्पेस माइनस एक्स, फिर ऐड, फिर बिंड मतलब डब्ल्यू मतलब बिंड स्पेस जेड, फिर ऐड, फिर बिंड डब्ल्यू मीन्स बिंड स्पेस माइनस जेड। उसके बाद फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिंड लोड का भी नेमिंग हो गया। अब इसका स्टेप बाय स्टेप इसको सिस्मिक में कौन सा लोड होगा वो इसको मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद सिस्मिक पे क्लिक करिए, उसके बाद फिर ऐड करिए। ऐड करने के बाद से सिस्मिक कौन सा किधर है, सिस्मिक यहाँ पे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद फिर फैक्टर करिए, वन ही होगा। उसके बाद फिर ऐड करिए, तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फिर इस पर क्लिक करिए, उसके बाद फिर से सिक्स सिस्मिक पे जाइए। उसके बाद फिर यहाँ पे फैक्टर माइनस एक्स है तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये ऐड हो गया। फिर एस जेड पे जाएंगे, तो एस जेड पे पहले सिस्मिक पे क्लिक करेंगे। सिस्मिक में क्लिक करने के बाद जेड चूज करेंगे, फिर फैक्टर वन आ गया। उसके बाद फिर ऐड कर दें, तो जेड भी हो गया। फिर सिस्मिक, फिर इस पे क्लिक करने के बाद फिर सिस्मिक पे जाएंगे, फिर फैक्टर क्या दिया है, माइनस जाएगा माइनस जेड। यहाँ पे जेड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा सिस्मिक लोड अपलोड हो गया। अब उसके बाद डीएल मतलब डेड लोड और बिंड लोड, मैं डेड लोड भी अपलोड करके बताता हूँ।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे को सिस्मिक लोड अपलोड कर दी, अपडेट लोड चूज करना अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप सीट में देख रहे होंगे कि जो डेड लोड है वो सेल्फ वेट है और नोडल लोड है जो कि 2 है, -2 किलोन्यूटन एंड 4 किलोन्यूटन। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ। नोड पहले तो सेल्फ पे क्लिक करिए। सेल्फ पे क्लिक करने के बाद फैक्टर एक्सट्रैक्शन में फैक्टर 1 होगा, उसके बाद ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपको डेड लोड में यहाँ पे ऐड हो गया। अब इस ऐड करने के बाद आप ये फिर से डेड लोड पर क्लिक करेंगे। डेड लोड पर क्लिक करने के बाद आपको नोडल लोड में कितना है, बाई डायरेक्शन में नोडल लोड -2 ऐड करेंगे। फोर नोडल लोड ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको बिंड लोड अपलोड करना है, तो बिंड लोड पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ऐड पर क्लिक करिए, तो इस तरह से खुलेगा। आप बिंड लोड यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जाइए, क्लिक करिए। उसके बाद फिर आपको एक्स डायरेक्शन में आप यहाँ पे कुछ एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एडिट करके दिखलाता हूँ। जो यहाँ पे बोल रहा है वेन वाई एक्सिस इज वर्टिकल, जो वाई है जो वर्टिकल रहेगा, तो मिनिमम कितना होगा, वाई कितना है 6, एक्स कितना गया है 10, और जेड कितना गया है 20। दोस्तों मैं उसके बाद ही मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद ही यहाँ पे ऐड हो गया। मैं 6, 10, 20 क्यों लिए, क्योंकि जो ये जो डिस्टेंस है देख रहे होंगे, ये 3, 2 और 1, 8, मतलब 6, फिर यहाँ से डिस्टेंस 10, और जो जेड जेड डायरेक्शन में गया है वो 20, तो इसलिए मैं वहाँ पे एडिट किया। दोस्तों उसके बाद फिर आपको बिंड लोड माइनस माइनस एक्स पे क्लिक करना है। -X पे क्लिक करने के बाद फिर से बिंड लोड चूज करना है, फिर यहाँ पे फैक्टर माइनस फैक्टर क्या देंगे -1। उसके बाद एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐड ऐड हो गया, ए 1, 2 ऐड हो गया। जेड जेड पे करना है मेरे को, तो इस पे जेड पे क्लिक किया, उसके बाद ऐड किया, उसके बाद फिर बिंड लोड, फिर जेड फैक्टर कहाँ, यहाँ, उसके बाद फिर फैक्टर बनी रहेगा, फिर ऐड करता हूँ, तो जेड फैक्टर भी ऐड हो गया। फिर लास्ट बचे, इस पर क्लिक करने के बाद बिंड लोड, इस पर क्लिक करिए, फिर माइनस माइनस तो दोस्तों लोड तो अपलोड हो गया। उसके बाद जो ये क्वेश्चन मार्क है उस पर पहले असिन टू भी क्लिक कर, तो ये आप देख रहे होंगे पूरा सिलेक्ट हो गया है। देख रहे होंगे लोड 2 न्यूटन और 4 किलो -2 और 4 का अपलोड हो रहा है। आप दोस्तों आप यदि आप इस पे क्लिक करते हैं तो किधर का लोड लग रहा है,
आपको ये पोर्शन लग रहा है इधर से, अगर माइनस एक्स की तरह करें तो उधर से लग रहा है, अगर जेड पे क्लिक करते हैं तो ये साइड लग रहा है, अगर इस पे क्लिक करते हैं इस तरह से लग रहा है आपको शो हो रहा है, तो ये पूरा शो भी कर देता है। दोस्तों तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लोड अपलोड हो गया है, तो यहाँ पे जो लास्ट का लोड है ना, लोड कम्बिनेशन, इसको अपलोड करना है, बाकी सब बिंड डेड सिस्मिक लोड अपलोड हो गया। तो चलिए बिंड लोड कंबाइंड कम्बिनेशन जो है उसको अपलोड करके दिखलाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको इसमें जाना है, उसके बाद फिर जो लोड जैसे इस पर क्लिक करने के बाद आप ऐड करिए, ऐड करने के बाद ऑटो लेवल है इस पर क्लिक करिए, उसके बाद फिर आप यहाँ से चूज करिए इंडियन कोड, उसके बाद फिर जनरेट जनरेट पे क्लिक करिए, उसके बाद क्लिक करने के बाद आप ऐड कर दीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि ये ऐड हो गए, जितना है ऐड हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसको नोट को क्लिक सेलेक्ट करता हूँ, तो सपोर्ट लगा अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट करने के बाद ऐड करना पड़ेगा, तो ये सपोर्ट आ गया, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आपको असाइन टू सेलेक्टेड नोड मतलब सेलेक्टेड करने के लिए बोल रहा है, तो उस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप इसको एक क्लिक करने से अच्छा है कि आप इस पर एक फ्रंट व्यू में आप देखिए, उसके बाद इसको क्लिक करिए, ऑटोमेटिक पूरा में सेलेक्ट हो गया होगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करिए असाइन टू सेलेक्टेड नोड, उसके बाद फिर यस कर दीजिए, आप इसको आइसोमेट्रिक में देखिए पूरा में सपोर्ट ऐड हो गया, तो इस तरह से आप सपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप लोग को बताइए इस वीडियो में सपोर्ट के बारे में बतला दें, लोड अपलोड करके बतला दें, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बतलाएंगे उसका रन करके दिखलाऊंगा कि कितना एरर है, कितना वेटिंग वगैरह है, तो वो करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ट्यूटोरियल नंबर 3rd इसका, वो उसमें एंड हो जाएगा, उसमें फाइनल रिजल्ट वगैरह दिखा जाएगा, एनालाइज भी हो जाएगा और उसका डिजाइन भी हो जाएगा किस तरह से डिजाइन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं तक स्टॉप करते हैं, और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।